तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार निमकी, जो कि दिखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक कटोरा मैदा लिया है और एक कटोरा आटा लिया है। मैं ये दोनों से मिक्स करके ही लूँगी और दोनों को अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद मैंने एक चम्मच नमक डाला है और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर एक चम्मच लमसम। उसके बाद फिर हींग और जमाइन मंगरेला, इसको थोड़ा हाथ पर रब करके ही डालें। 2 से 3 स्पून देसी घी डालें और हमने हाफ कटोरी लिया है रिफाइंड ऑयल और इसे आटे में डाल दें और अच्छी तरह से इसे मिला लें। अच्छी तरह से मिलने के बाद इसे चेक कर लें और चेक करने का विधि यह है कि आपका अच्छी तरह से ये गोल हो जाना चाहिए और आटे का डो एक बना लें। थोड़ा कड़ा ही रहेगा इसका आटा का डो। इसे अच्छी तरह से सान लेंगे और रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसे चेक कर लें और इसे अच्छी तरह से मिचकार लें और इसे 3 भाग में मैंने डिवाइड किया है। आपका जितना लोइया तैयार होगा उतना में डिवाइड करें, थोड़ा मोटा ही होना चाहिए। और इसे मिचकार कर अच्छी तरह से बेल लें रोटी के आकार का गोल, और इसका शेप थोड़ा मोटा ही रहेगा। और इसे अच्छी तरह से निमकी जैसे काटते हैं वैसे काट लें। मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में निमकी बनाया है, छोटा छोटा सा। आप ऐसे भी छान सकते हैं इसे, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है छोटा छोटा पीस, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और सारे निमकी को इसी तरह से काट लेंगे, चाहे चाकू की मदद से काटे, कैंची की मदद से काटे, आपको जिस तरह से आसान बुझाए वैसे काट लें। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है, आप यहाँ पे घी भी यूज कर सकते हैं और फ्लेम होना चाहिए मीडियम टू लो। मैंने यहाँ पे डाल दिया और अच्छे तरह से इसे हम लोग भूनेंगे। ये बीच बीच में आप चला दें और देखिए इसका कलर थोड़ा सा रेड आ गया है। हम इतना ही तक करेंगे और निकाल लेंगे। और इसका रिफाइन आप ज़्यादा नहीं निकालें, इसे ऐसे ही निकालेंगे क्योंकि हमें इसमें मसाला डालना है। तो इसमें हम यूज करेंगे नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, और इसे हम मिला लेंगे। और ये सब काम आप फटाफट ही करें क्योंकि रिफाइंड ऑयल इसमें रहेगा ही और जल्दी से आपका इसमें चिपक जाएगा और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। नमकीन, तीखा, खट्टा, सारा चीज़ इसमें फ्लेवर आपका आ जाएगा। इसी तरह से सारा निमकी आप बना लें। आप एक बार इस निमकी को बना के ज़रूर खाएं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार बनाइएगा, बार बार बनाने का मन करेगा। ये निमकी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। ज़रूर एक बार इसे बनाकर खाएं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुलूज किचन।